अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, टॉपिक मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में टुडे वी विल डिस्कस फिजिकल बैलेंस एंड लीवर बैलेंस। मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस को डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द पास्ट। पॉट्स वर यूज्ड टू मेजर ग्रेन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द एंशिएंट टाइम्स। पुराने वक्तों में मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो उस केस में अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो ग्रेन यानी कि अनाज की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पॉट्स यूज होते थे, यानी कि बर्तन यूज होते थे, बिकॉज दे वर नो मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। या हम कह लें कि जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे दे वर नॉट एक्यूरेट एंड रिलायबल। बैलेंसेस वर ऑल्सो इन यूज बाई ग्रीक्स एंड रोमन्स। ग्रीक्स और रोमन्स पास्ट में बैलेंसेस यूज करते थे, but these balances were not accurate. Beam balances are still in use at many places. अगर हम past में use होने वाले balances की बात करें तो उनमें एक beam balance भी है जो कि still use में है at many places. Starting पे pots use होते थे, उसके बाद Romans, Greeks ने balances use करने शुरू किए, और उनमें से एक पुराना बैलेंस है बीम बैलेंस, जिसमें हम कंपैरिजन से मास मेजर करते हैं। अभी बीम बैलेंस को डिस्कस करते हैं। ये एक बीम बैलेंस है। इन दिस बैलेंस वी हैव टू पैन्स, एक ये पैन है और एक ये पैन है। इन अ बीम बैलेंस द अननोन मास इज प्लेस्ड इन वन पैन। किसी एक पैन में अननोन मास प्लेस किया जाता है। इट इज बैलेंस्ड बाय पुटिंग नॉन मैसेस इन द अदर पैन, और दूसरे पैन में हम नॉन मास प्लेस करते हैं, और एट दी एंड क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर ये बैलेंस हो जाए, ये रॉड जो ऊपर नजर आ रही है बैलेंस हो जाए, इट मींस जो मास इस पैन में है वही मास इस पैन में है। तो इस तरह कंपैरिजन से हम अननोन क्वांटिटी का मास मेजर कर सकते हैं। टुडे पीपल यूज मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। आजकल मैकेनिकल बैलेंस भी यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस भी यूज हो रहे हैं। मैकेनिकल बैलेंसेज में से एक बैलेंस है फिजिकल बैलेंस, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। A physical balance is used in the laboratory to measure the mass of various objects by comparison. Physical balance वो balance है जो हम आमतौर पे lab में use करते हैं in order to measure the mass of various objects. और इसमें भी phenomena वही है comparison का। Beam balance में भी comparison से mass measure करते हैं, in the same way physical balance में भी comparison से mass measure करते हैं। ये physical balance है और इसके different parts mention हैं, इन्हें हम detail में discuss करेंगे। Physical balance consists of a beam resting at the center on a fulcrum. Physical balance को discuss करने से पहले fulcrum से related हम important term discuss करते हैं। Students, इससे पहले आपने lever simple machine के बारे में पढ़ा होगा। Lever को अगर हम define करें तो lever basically एक rod है जो किसी pivot point के around freely rotate कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक rod है और ये इस pivot point के around freely rotate कर सकती है। ये एक सिंपल मशीन है और ये जो पिवट पॉइंट है इसे फल्क्रम कहते हैं। इन द सेम वे फिजिकल बैलेंस में भी ये एक रॉड है और ये किसी एक पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट कर सकती है, फ्री मूव कर सकती है। तो इस पिवट पॉइंट को हम फल्क्रम कह रहे हैं, और ये बीम है जो इस फल्क्रम पे है। अगर हम फर्दर इसके पार्ट की बात करें तो ये स्टिरअप है। स्टिरअप बेसिकली डी शेप मेटल पीसेज होते हैं जिनकी हेल्प से हम इन पैंस को हैंग करते हैं इस बीम से। उसके अलावा अगर हम बैलेंसिंग स्क्यूज की बात करें तो ये स्क्यूज मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा ये हुक्स हैं और ये प्लम्ब लाइन है। प्लम्ब लाइन बेसिकली हम इस बीम की सेटिंग के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा ये पॉइंटर है, पॉइंटर की हेल्प से हम आइडिया लेते हैं कि दोनों पैंस में रखे हुए मैसेज इक्वल हैं या नहीं। उसके अलावा ये स्केल है जिसमें पॉइंटर मूव कर रहा है, ये पैंस हैं, और अगर हम एंड पे देखें तो ये रेस्टमेंट नॉब है, ये रेस्टमेंट नॉब है। इस नॉब को मूव करने से हम इस बीम को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं फॉर द बैलेंसिंग। नेक्स्ट वी हैव लेवलिंग स्क्रूज। ये लेवलिंग स्क्रूज हैं, बेसिकली ये फिजिकल बैलेंस के प्लेन को लेवल करने के लिए यूज होते हैं, और इस पर्पज के लिए हम प्लम्ब लाइन भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम मेजरमेंट की डिस्कस कर लें तो मेजरमेंट में बीम कैरी स्केल पैंस ओवर द हुक्स ऑन आइदर साइड। ये बीम के साथ ये पैंस हैं हुक की हेल्प से, और इन्हीं पैंस को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर मैसेस। अननोन मास इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन में अननोन मास रखा जाता है, राइट पैन में नॉन मास रखा जाता है, और कंपैरिजन से
वी कैन मेजर द मास ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट। तो अभी अगर हम देखें तो फिजिकल बैलेंस बैलेंस्ड पोजिशन में है, मीन्स पॉइंटर जीरो पे है, ये लेवल है। तो मेजरमेंट के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि फिजिकल बैलेंस बैलेंस होना चाहिए, यानी पॉइंटर जीरो पे। उसके बाद आप इसमें मैसेज प्लेस करके वैल्यू फाइंड करें, मेजरमेंट लें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार्टिंग पे ये मीन पोजिशन पे है, बैलेंस्ड है। अब हम इसमें मैसेज प्लेस करेंगे और मैसेज प्लेस करने के बाद इसको बैलेंस दोबारा से करेंगे और फिर मेजर करेंगे अननोन क्वांटिटी का मैस। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फाइंड द मैस ऑफ अ स्मॉल स्टोन बाय अ फिजिकल बैलेंस। मैस फाइंड करने से पहले हम कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द सेटिंग ऑफ फिजिकल बैलेंस, कि पहले फिजिकल बैलेंस को कैसे सेट करना है। एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रूज विद द हेल्प ऑफ प्लंब लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस। सबसे पहले फिजिकल बैलेंस का प्लेटफॉर्म बैलेंस करेंगे और इस पर्पज के लिए हम यूज करेंगे लेवलिंग स्क्रूज को, और देखेंगे प्लंब लाइन के साथ साथ चेक करेंगे कि प्लेटफॉर्म लेवल है या नहीं लेवल है। रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द अरेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज। अब जो ऊपर बीम है जिसके रिलेटेड हमने फल्क्रम को डिस्कस किया था, बीम को डिस्कस किया था, ऊपर जो रॉड है, जो बीम है, उसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अरेस्टमेंट नॉब से, इसे अरेस्टिंग नॉब भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अरेस्टिंग नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और बीम को ऊपर करेंगे। यूजिंग बैलेंसिंग स्क्यूज एट द एंड ऑफ इट्स बीम ब्रिंग द पॉइंटर एट जीरो पोजिशन। बैलेंसिंग स्क्यूज को यूज करते हुए हम पॉइंटर को जीरो पे लेके आएंगे ताकि फिजिकल बैलेंस हमें बैलेंस फॉर्म में नजर आए। टर्न द अरेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स फोर्स। अब हम क्या करेंगे, अरेस्टमेंट नॉब को दोबारा यूज करेंगे और जो हमने बीम को ऊपर उठाया उसको दोबारा नीचे लेके आएंगे। प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट पैन। अब फिजिकल बैलेंस के लेफ्ट पैन में हम अननोन मैस रखेंगे, यानी कि स्टोन। प्लेस सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन द राइट पैन। अब राइट पैन में हम स्टैंडर्ड मैसेज रखेंगे, यानी वो मैसेज जिनका हमें पता है कि ये इनकी मेजरमेंट ये है। रेज द बीम, बीम को ऊपर करेंगे। लोअर द बीम इफ इट्स पॉइंटर इज नॉट एट जीरो, यानी कि पॉइंटर को हमने जीरो पे लेके आना है, सेटिंग करनी है। रिपीट एडिंग और रिमूविंग सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज इन द राइट पैन टिल द पॉइंटर रेस्ट्स एट जीरो ऑन रेजिंग द बीम। उसके बाद हमने क्या करना है, बार बार जो है राइट पैन में स्टैंडर्ड मैसेज ऐड करने हैं। ये इसलिए ऐड करने हैं ताकि बैलेंस हो जाए, और जैसे ही पॉइंटर जीरो पे आएगा यानी कि फिजिकल बैलेंस बैलेंस होगा, तो हम रीडिंग ले लेंगे। नोट द स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द राइट पैन, देयर सम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन। अब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग के वक्त राइट पैन में कौन से मैसेज हैं, हम उन मैसेज का सिंपली सम कैलकुलेट करेंगे। वो बेसिकली मैस है उस अननोन ऑब्जेक्ट का जो हमने लेफ्ट पैन में रखा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीवर बैलेंस। तो लीवर बैलेंस नेम से ही क्लियर है, लीवर सिस्टम है। अ लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर। ये लीवर सिस्टम है और इसमें आप देख सकते हैं ये एक पॉइंटर है, इसमें भी टू पैन्स हैं। एक पैन में हम नॉन मैसेज रखते हैं और एक पैन में अननोन मैस रखते हैं, और फिर बैलेंसिंग से इस अननोन ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड करते हैं। व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पैन, द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स। जैसे ही हम एक पैन में स्टैंडर्ड मैसेज रखेंगे और दूसरे पैन में अननोन मैस रखेंगे तो पॉइंटर मूव करेगा, और जब ये पॉइंटर जीरो पे आ जाए इट मीन्स के ये बैलेंस हो गया है। और बैलेंसिंग से फिर हम देख सकते हैं कि जो सेकंड पैन में जो अननोन ऑब्जेक्ट है, अननोन मैस है, वो इस स्टैंडर्ड मैस के इक्वल है जो कि दूसरे पैन में है। द पॉइंटर इज ब्राउट टू जीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। हम क्या करते हैं, दूसरे पैन में जिसमें स्टैंडर्ड मैसेज है और मैसेज ऐड करते हैं, निकालते हैं, हम किसी तरह से इसको पॉइंटर को जीरो पे लाने की कोशिश करते हैं। जैसे पॉइंटर जीरो पे आएगा इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड मैसेज यहाँ है उतना ही मैस यहाँ है, तो यहाँ से हम कंपैरिजन से मैस फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। टुडे वी हैव डिस्कस्ड मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आज हमने बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस और फिजिकल बैलेंस डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में वी विल डिस्कस अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।